यूपी निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान संपन्न हुआ। आपको बता दें कि यह मतदान आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद सहित यूपी के कुल 37 जिलों में जारी रहा। प्रशासन की तरफ से आगरा के बूथों पर क्या कुछ इंतजाम किए गए, इसी को जानने के लिए डीडी समाचार के आगरा संवाददाता रविन सेजवार ने नगर पालिका वाह के कई बूथों का हाल जाना और वोटरों के मन को टटोलने की भी कोशिश की। प्रशासन ने वैसे तो मतदान को शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही जो है सुनिश्चित कर रखी है। आपको बता दें कि आगरा जनपद में संवेदनशील जो बूथों की संख्या है वो 31 है, तो प्रशासन ने उन केंद्रों पर जो है पहले से ही अलर्ट कर दिया है। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ अराजकता या कोई फेरबदल करने की कोई कोशिश करता है तो प्रशासन के द्वारा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आगरा जनपद के हम बाहर नगर पालिका के आज बराबर विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ अंदर जा रहे हैं और अपने मत का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। हम यहाँ बात करेंगे, एक ये बहन जी हैं, हम इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। आपने जो है वोट डाला है, कैसा लग रहा है आज आपको? नहीं, यहाँ बढ़िया लग रहा है कि वोट डालने में मैंने ऐसा कुछ काम किया है अपने देश में रहते हुए। मैं तो स्पेशल आगरे से वोट डालने आ रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज वोट डालकर, बहुत खुशी हो रही है मुझे। तो आप जो है इस तरह के प्रत्याशी को जो है जिताना चाहेंगे? देखो, जीत तो हार जीत तो किसी ना किसी की होनी है, जीत है नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो कोई भी जीतेगा वो अच्छी तरह जीतना चाहिए और जो समाज की सेवा करेगा उसे जिताना चाहिए। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब आज वोट डाला है, बता रहे हैं भैया बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज आपने वोट डाला है, आप किस प्रकार के प्रत्याशी को जो है यहाँ नगर पालिका बाहर से सरकार के? हम चाहते हैं कि ऐसा प्रत्याशी जो नगर पालिका का विकास करे, और विकास ही प्रत्याशी कर सकता है इसकी प्रदेश में सरकार हो। तो हम चाहते हैं जो ट्रिपल इंजन की सरकार है उसको बनाने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि केंद्र में भाजपा की है, प्रदेश में भाजपा की है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ भी भाजपा का प्रत्याशी चुनाव में दिया कर। क्या नाम है आपका? उमेश राठौर, एडवोकेट। आज आपने अपने मत का प्रयोग किया है, बिना खाई पी है, बहुत बढ़िया। तो किस तरह के प्रत्याशी को जो है जिताना चाहेंगे? इसने प्रकाश किया है कि जमीन पर चल रहे हैं, यहाँ मिट्टी थी, धूल मिट्टी थी, कीचड़ था, इसमें आराम से बदल जा रहे हैं। तो आपकी नज़र में जो है किस प्रकार का जो यहाँ का प्रत्याशी है वो होना चाहिए? जो विकास करेगा वो मलाई खाएगा। तो उसी प्रकार के प्रत्याशी को आपने वोट? बिल्कुल, अपने मत का प्रयोग करते हुए आ रहे हैं। और अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, वोटर तय करेंगे कि ये 1223 जो प्रत्याशी आगरा जनपद में जो है खड़े हुए हैं उनका भाग्य वोटरों के हाथ में है। अब किसकी बनेगी सरकार, आगरा में कौन पहनेगा ताज, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मैं डीडी समाचार से रविंद्र सेजवार आ गया।